आज हम बनाएंगे भरवा करेला, जो खाने में कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा और सभी इसको खाना पसंद करेंगे। मसालेदार और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, इसको खाकर बोलेंगे वाह बहुत ही बढ़िया बने हैं। वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आप कुछ टिप्स नहीं देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना भरवा करेला। हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है। सबसे पहले हम प्याज को बारीक काट लेंगे और हम अब टमाटर को भी बारीक काट लेंगे। यहाँ पर हमने चार करेले लिए हैं, इसका ऊपर का जो भाग है इसको थोड़ा सा काट लेंगे, ज़्यादा नहीं काटना है। इसमें अब हम बीच में एक चीरा लगा लेंगे और जो इसके अंदर का है बीज उसको निकाल लेंगे, और अंदर का खराब है नहीं है इसका भी पता चल जाता है। इसी तरह हम बाकी के करेलों का बीज भी निकाल लेंगे। हमने सभी करेलों का बीज निकाल लिया है। अब हम एक छोटी कटोरी लेंगे, इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो हल्दी और नमक मिक्स किया था उसको करेलों में चारों तरफ लगा लेंगे। आप चाहें तो करेलों का छिलका निकाल भी सकते हैं। चारों करेलों में हमने हल्दी और नमक लगा लिया है। मैंने छिलका नहीं निकाला है, ऐसे ही बना रही हूँ। अब हमने यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं दो बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दूंगी। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 5 से 6 कलियां बारीक कटी हुई लहसुन डाल दूंगी, इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसको थोड़ा चला लेंगे, जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाता। हम इसमें ये करेले का जो बीज का था उसको हम इसमें डाल देंगे और साथ ही दो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये भी प्याज के साथ फ्राई हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ पर मसाले भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्वादानुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। सब्जी मसाले का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच रखेंगे। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। हमारा मसाला बनके तैयार है। इसको थोड़ी देर ठंडे होने के लिए रख देंगे। हमारा मसाला ठंडा हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। जो हमने करेले रखे थे उनमें अब ये मसाला भरेंगे। इसमें नमक हल्दी लगाई थी, उससे थोड़ा पानी करेलों ने छोड़ दिया है। इसको हम ज्यादा निचोड़ेंगे नहीं, क्योंकि करेले टूट जाएंगे। अब हम इसके अंदर मसाला डालेंगे, जितना इसमें आएगा उतना हम इसमें मसाला भर देंगे। इसी तरह हम बाकी के करेलों में भी मसाला भर लेंगे। एक बार आप इस तरीके से भरवा करेला बनाएगा, आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। अब हम इसमें धागा लपेटेंगे, जिससे करेले फ्राई करने में मसाला बाहर नहीं निकलेंगे। आप चाहें तो बिना धागा बांधे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर धागा नहीं बांधना है तो कम तेल में फ्राई करना चाहिए। हमने सभी करेलों में धागा बांध दिया है। अब हम सेम कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके करेलों को डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सभी करेले डाल दिए हैं। आप चाहें तो दो दो करके भी फ्राई कर सकते हैं। करेलों को हम धीरे धीरे करके अलटते पलटते रहेंगे, नहीं तो एक ही साइड से जलने लग जाएंगे। ये देखिए, धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो रहा है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। इनको हमने अलटते पलटते ही फ्राई करना है। ये देखिए, हमारे करेले फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से साइड में ले जाकर दबाते हुए निकालेंगे, ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। खाने में ज़्यादा तेल वाला नहीं लगेगा। हमारे करेले फ्राई हो गए हैं। अब हम इनका धागा निकाल लेंगे। ये धागा बड़ी आसानी से निकल भी जाता है। हमने इनका धागा निकाल लिया है। अब हम इनको सर्व करेंगे। आप इन्हें रोटी, चावल, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप इन्हें बनाकर 1 सप्ताह तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो ये हमारे भरवा करेले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मुझे अभी कम ही टाइम हुआ है यूट्यूब में, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊंगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।